ये भगवड़े लोग हैं जो सेना की वर्दी में अपना चेहरा छुपाना चाह रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये समझ से परे। देश के सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर विभाजनकारी रेखा कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। अपने हर जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए सेना का सहारा लेते हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं। कि सेना का के जवानों का वर्दी का फोटो लगाकर उनकी शहादत और बलिदान के नाम पर देश से वोट लिया। अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद। जिस पर सेना के वीर जवानों ने आपत्ति जताई थी, इसलिए हमारा सवाल सीधा सीधी सरकार से है। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। जनता दल का संविधान इसकी इजाजत देता है, बल्कि सच यह है अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। ऐसा है कि उन लोगों को मेरे हर अच्छे काम में भी कुछ न कुछ ऐब तो निकालना ही पड़ेगा ना। और बलियावी ने अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री और सत्ता में बने लोगों से सवाल किया है, उनसे सवाल किया है ना, जो आज के डेट में अडानी जी का नाम भी लेने से डर रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है जो आज के डेट में चाइना का नाम लेने से भय खाते हैं। मेरा सवाल उनसे है, अब उनके लोग अपने हर जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए सेना का सहारा लेते हैं। ये भगवड़े लोग हैं जो सेना की वर्दी में अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। सेना का अपमान तो उन्होंने किया कि सेना का के जवानों का वर्दी का फोटो लगाकर उनकी शहादत और बलिदान के नाम पर देश से वोट लिया। जिस पर सेना के वीर जवानों ने आपत्ति जताई थी, इसलिए हमारा सवाल सीधा सीधी सरकार से है। अब माने मतलब जिसको जो निकालना हो निकालते रहे। इतिहास गवाह है कि देश के सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर विभाजनकारी रेखा कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के के मसले पर जो हमारा शारीरिक अंतर विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद।